सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो राम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहे सा धरती सौ पौन चुल्हारे जुग जी खेले थाव कैसे सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहे सा धरती सौ पौन चुल्हारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार हो वै परवाना करें तिंघाना कल लखन विचार रहाओ कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास न बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा जे को सत करे सो छीजै तप कर तप न होई जे को नाव ले बदनामी कल के लखन एही जिस सिकदारी तिसै खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार है पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कले आई है तिह जुग केरा रहया तपावस जे गुण देह ता पाई है रहा कल कल वाली सरा निबेड़ी काजी कृष्णा होआ बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीर्त लहया पत विण पूजा सत विण संजम जत विण काहे जनेऊ नावो तोवो तिलक चढ़ाओ सुच विण सोच न होई कल परवान कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू ऊपर कर्म नहीं जेकर होंदै मंगण जाइए फिर यो लामा मिले तही नानक नाम मिले वडियाई एदू ऊपर कर्म नहीं जेकर होंदै मंगण जाइए फिर यो लामा मिले तही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश सांझ समय सत्संगत दा समां असीं माण रहे हाँ समा गुरबाणी व्याख्या दा है रामकली राग दे अष्टपदे गुरु नानक साहब द्वारा उचरित किया गया उपदेश सानूं प्राप्त है बचन आपने सरवण किया है बीते कल इसकी तकरीर प्रारंभ की सी गुरु बाबा जी ने 500 सवा 500 साल पहला यह बचन उचरित किए ने ते जितनी सिग्निफिकेशन जिस वक्त उचरित हो रहे ने उदों आ उन्नी ही अज आ क्योंकि जिहड़ा ह्यूमन माइंड आ ये उत्थे ही खड़ा आ जिथे अज तो सदियां पहला सी उत्थे ही होएगा अज तो सदियां बाद भी
क्योंकि कुदरती खेड के अंदर ही है जिन्हां चीज़ां के बाबत साढ़े अंदर कुछ एबिलिटी है जो असी मटीरियलिस्टिक साइड तो प्ले कर सकते हाँ ये आर तब्दीली आती रही है पर जेड़ा साड़ा अपने आपे दे नाल रिश्ता है अपने आपे नू समझन दी बात आ उच असी कल भी अमूड सी अनपढ़ सी अज भी अमूड ते अनपढ़ आ कल दे मनुख लई भी मनुख मुश्किल इमोशंस नाल डील करना सीगा अज दे मनुख लई भी उही है कल दे मनुख लई भी एंगर बड़ा वड्डा इशू सीगा अज दे मनुख लई भी इही है कल दा मनुख भी डर ते डर दे अधीन जींदा सी अज दा मनुख भी है सो चीज़ां उस रूप दे विच ही ने इहदा प्रभाव साधन संसाधन बदलन जाण दे नाल बल्कि वर्स हो जाता है जिवें अज दे दौर च देखिए ना वड्डा खिता चलो साढ़े इत्थे थोड़ा जिहा डिफरेंट है एक वर्जन लैंड है जिते असीं बैठे हाँ हालांकि इत्थे भी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट वीके दे नाल सानूं चीज़ां चेंजेस नज़र पै रहे ने पर इन ड्रास्टिक नहीं है पर जे आपां पिछे देखिए तो पीपल आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न टाइम बट विद द माइंड सैट ऑफ मेडिवल पीरियड बिल्कुल जिवें ट्राइब कल्चर हुंदा है एवें वो सोचते हैं यूज न्यू इक्यूपमेंट कर रहे हैं नवीं टेक्नोलॉजी कर रहे हैं नवा सब कुछ पर सोच उत्थे खड़ी है बिल्कुल मेडिवल टाइम दे विच वही जिवें ट्राइब्स कबीले कबीलेदारी उस किस्म के नाल सो यह है कि बदलाव बाहर नज़र पैंदा पर पदार्थक तौर पर जे होर चीज़ां नूं देखिए तो कुदरत की बुनियाद भी नहीं बदलती हुण गल रह गई युग बदलन की समा बदलन की युग पलट जाण की गुरु बाबा जी कहिंदे मनुखी बिहेवियर दे विच है सब कुछ बाहर कुछ नहीं गा मनुख बिहेवियर करके ही कलयुग जींदा बिहेवियर करके सतयुग जींदा इन बिन असी देखिए हालांकि फिर बेनती करांगा मतलब सोच जो तकिया नूसी सीगी जो बिल्कुल बेवकूफाना रूप दे विच सीगी वो एज इट इज़ ही कैरी की जा रही है अज मॉड पोस्ट मॉडर्न टाइम दे विच लोकी घर का कलेश घर दियां कंधां च कढ़दे ने वास्तु होर की है मल्टी मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है साढ़े नॉर्थ अमेरिका दे विच मल्टी मिलियन डॉलर की पर कोई मनदा है बिल्कुल भी नहीं दिन सोध विचार ने सब चीज़ां दिन सोधां च की पिया आ जे बंदे की अपनी सोच हाँ मूड स्विंग करता अज मैं इत्थे कल इत्थे होवांगे इस रूप दे पर रिस्पोंसिबिलिटी जिस चीज़ की लैनी बनती नहीं पर नहीं ली जा रही किसी होर के उत्ते जिहड़ा हैगा ब्लेम किया जा रहा इंसान इंसान ते ब्लेम करेगा कलेश वधेगा फिर इंसान कुछ ऐसी चीज़ लभे जिते ब्लेम करे वापस ब्लेम ना आवे कहिंदा चलो एटलीस्ट यह तो नहीं है भी कलेश होर वध रहा घर दे दो जी आपस च एक दूजे ते ब्लेम दे जाणगे लड़ाई वधी जाएगी हाँ यह ब्लेम दिता जा सकता वह कहिंदा नहीं नहीं तेरा कोई कसूर नहीं मैनू पता लग गया तेरा तो मेरा झगड़ा क्यों हुंदा घर का दरवाजा डायरेक्शन ठीक है च नहीं है हाँ हूँ ठीक है दरवाजे ते एटलीस्ट उन्हें कहड़ा मुड़ के वापस जवाब देना है सब तो वधिया चीज़ है समा कलयुग आ गया जी कलयुग आ गया जी बाबा जी आ बचन कहिंदे कहिंदे कित्थे कलयुग आया मैनू दसो तो सही गुरु नानक साहब कहिंदे मैं वेखना चाहुंदा देखो तुसीं क्या कमाल की चीज़ है मतलब 125 साल पहला बचन लिखे लगता जी बाबा जी मैं साडे कोल बैठ के सानू दस रहे होण भी अच्छा भाई फिर मैं भी देखना चाहुंदा किहड़ा कलयुग आया मैनू भी दिखाओ बचन आया सब कहते तू कहना समा बदल गया कलयुग बदल कलयुग आ गया वक्त बदल गया जी वक्त माड़ा आ गया बाबा जी कहते अच्छा जे कलयुग सपोज करो सतयुग तो गल शुरू करते हैं सतयुग त्रेता द्वापर ते हुण कलयुग इस तरीके कहते युगों की बनतर है गुरु बाबा जी कहते बदलिया की है सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिनियर तपत रहे उही चंद उदों चढ़ता सी उही दिनियर सूरज तपता सी उही तारे चढ़ते सन कि अज दा सूरज होर है 1000 साल 2000 10000 साल पिछे वाला सूरज होर है सेम आ जे सेम चंद्रमा आ सेम सूरज आ सेम
तारे सियारे ने फिर बदलिया की है, या तो हो कुछ, क्योंकि सूरज नूं मन्निया जांदा है जिंदगी का मरकज है, एनर्जी दिंदा है। जो मरकज ही नहीं बदलिया, जो उस रूप दे विच, ईवन मैं बीते चिकतन बात शायद की होएगी इतने CBC के उत्ते पॉडकास्ट से मैं सुन रहा है, डैनिश स्कॉलर एक बड़ा मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट उसकी कुछ बुक के उत्ते डिस्कशन हो रही थी, जो उस इंटरव्यू कर रही है लेडी उन्हें पूछती है भी लोगों की बड़ी सरल जी शिकायत है भी जी साड़ी अज की जनरेशन है बड़ी मिजरेबल है, असी भी बड़े मिजरेबल ऑलमोस्ट, बहुत औखा आ, हर बंदा ही जड़ा है वो स्ट्रैस का जिक्र करता आ, फिर जड़ी प्रोडक्टिविटी है साढ़े कमां कारां दी वो डे बाई डे डाउन जा रही है, मुश्किल है बच्चे पढ़ाई तो बहुत शिकायत करते हैं, बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सब कुछ, सो वड्डे पद्धर ते समस्या बन गई है कि साढ़े माइंड विच या ब्रेन विच, ब्रेन कह लो कि रेडियो या ते माइंड कह लो वड्डा जिहड़ा वड्डी कोई जिवें रेडियो चलाउण वास्ते खास करके स्टेशन लगा हुंदा अपने एंटीना वगैरह दे नाल, ओह आ ते इहने दे सिर्फ सिग्नल ही पकड़ना है, सिग्नल उन्हें देना सारा उस रूप दे च, ये दोनों च कोई इशू है या कल्ले कल्ले च इशू है किस तरीके नाल है? वो कहिंदा भी जिन्नी साडी स्टडी है उहदे अकॉर्डिंगली ह्यूमन ब्रेन दे विच कोई ड्रास्टिक बड़े मतलब वड्डे चेंजेस आ गए होण, ये तो दूर की गल है, असी तो कोई माड़ा जिहा भी चेंजेस नहीं नोट किया अजे तक, मतलब जिहड़ी ये जनरेशन या पिछली जनरेशन इस तो पिछली जनरेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वली वो ब्रेन रूप जिहड़ा मशीन आ वह कैरी कर रहे हैं असी, ऑर्गन जिहड़ा हैगा साडा। बाकी गल रहेगी माइंड की, डेफिनेटली उहदे पद्धर ते भी कोई बहुत वड्डे सानू इस किस्म के चेंजेस लिटरेचर च नज़र नहीं पाए जिन्नी कि रिसर्च आई है। वो कहते कमाल है तुसीं तो साडी गल ही सारी गवा दी, असीं तो सोच रहे सीगे भी ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई है माइंड की प्रॉब्लम, तां करके कहिंदा नहीं नहीं उहदी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ एनवायरमेंट की प्रॉब्लम जरूर है, एनवायरमेंट बहुत डिस्ट्रक्टिव है साडा, साडे काम करन दा तरीकेकार तां सब हुण पोथी साहब सामने पई है, इहदे चों आपां शब्द देख के ते व्याख्या रहे हाँ, पोथी दे पन्नियां दा रंग चिट्टा आ, जिहड़े इहदे उत्ते लैटर्स नज़र पै रहे ने उहनां दी शाही काली है या कितने बॉर्डर है थोड़ा जिहा जिहदे च थोड़ा जिहा लाल जिहा रंग आ, इन्ना ही बस आ, इहदी थां ते स्क्रीन होए इत्थे सेम लैटर्स होण उत्थे, ते स्क्रीन दे उत्ते जेकर सपोज करो उहदे बैक ऑफ दा एक्चुअली जिहड़ा हैगा उस सिस्टम दे विच मेरी ईमेल भी ऑन होए, नोटिफिकेशन भी उहदी ऑन होए, सपोज सम हाओ जे किसी मैं सोशल मीडिया का कोई अपना अकाउंट बनाया वह भी उहदे पिछे ऑन होए, उहदे विच भी जिहड़ी ये नोटिफिकेशन सिस्टम ऑन किया होए, कुछ न्यूज़ भी जिहड़ियां ने उस रूप दे च उहनां दे मैं साइन किए हुण मतलब कुछ आउटलैट्स उहनां च नोटिफिकेशन ऑन किया होए, कुछ 10 चीज़ों की नोटिफिकेशन ऑन होए, तो मैं पोथी साहब का पाठ तुहाडे सामने करके तो इस नूं शब्द की व्याख्या करन लगा, की समझदे हो आप? आखिरकार जे साडे कोल 40 मिनट का भी समय, 40 मिनटां च कोई 2-4 नोटिफिकेशन तो आउणगे, जो नोटिफिकेशन आउणगे तो की आएगा? एकदम पॉपअप होएगा, जिवें पॉपअप होएगा स्क्रीन दे उत्ते किन्ने मतलब उस रूप दे च बड़े ग्लाइडर्स बड़े चमकते हुए रंग जिहड़े ने इस रूप दे च एकदम पॉपअप होणगे, ना चाहते हुए भी अख की अटेंशन जिहड़ी उस पासे जाएगी, ब्रेन जाएगा माइंड जाएगा, डिस्ट्रक्शन क्यों ना क्रिएट होएगी, किवें सालम उस रूप में बात रह जाएगी, आ एनवायरमेंट है सारा, इस एनवायरमेंट करके हाँ AC आप बनाया या ये तो मनिया जा रहा है कि जो तो CCTV कैमरे लग रहे थे हर चीज़ बंदा कहिंदा सी मौज बन गई बस हुण ते, हुण जदों पता लग रहा भी तुसीं CCTV कैमरे लवा ले ठीक है, हुण यह कि वर्ल्ड वाइड तुसीं ऑन हो गए, हुण माड़ा जिहा किसी ने सिस्टम नूं हैक करना है पता लग जाणा तुहाडे घर नूं कोई होर वेख रहा, ये मतलब अज तो रोज़ आए दिन चीज़ा सुनते बंदा कहिंदा मैं तो कितने भी सेफ भी नहीं है, हुण लोग शिकायत करते असी आ जिहड़ा सिस्टम नाल कैरी करके लगे फिरते हैं समार्ट डिवाइसिस तो सारा कुछ सुन रहे हैं, हाँ भाई मतलब ये असी आप एक दुनिया क्रिएट की, असी आप हौली हौली करके उस ट्रैप हो रहे हैं, तो ट्रैप होकर असी आप फिर तंग होवे
तो इवें रहा आ बंदा अपनी कुछ चीज़ा आजाद करता फिर तोड़दा। जो ट्रेडिशनल वे नाल वेखिए राजे वड़े वड़े महल बनाउंदे उसारदे नौकर चाकर सब अखीर उस जिंदगी तो तंग होकर सन्यासी होकर भज जांदे जंगलों बेलिया। हुण की है कि कल्ला दुकल्ला राजा नहीं गा सारे राजे ने हुण सारियां कोल उस तो वध फैसिलिटीज मौजूद ने सारियां नूं ही उहो जिहा जीवन चाहिए। कोई भी कहिंदा मैं घट्ट आ दूजे तो मेरा जीवन जिहड़ा बराबर का होना चाहिए। सो सारे हुण मुश्किल बन गई भी सारे सन्यासी बन के कित्थे तुर जाण। जिहो जिहा असीं एनवायरमेंट बना दिता है दुनिया दे च दो तीन जगह ते मोस्टली जंगल सीगे एमाजॉन दे जंगल हो गए रशिया दा वड्डा इलाका उहदे कोल जंगल ने जो स्नो नहीं पैंदी तो वैदर चेंज हुंदा उत्थे थोड़ी ग्रीनरी आउंदी आ साडे कोल सीगे। देखो कोस्ट टू कोस्ट की हो रहा कित्थे कोई लुक जाएगा कित्थे कोई दौड़ जाएगा। दुनिया साडी इसे किस्म की रह जानी जिहो जी हैगी है। सो सारे दे विच बंदा आप ही ट्रैप हो रहा है पदार्थक रूप के अंदर अपने आप को लिमिट करना ये सब चीज़ा करनी। मैं स्कॉलर की बात कर रहा सी डैनिस स्कॉलर कहिंदा कहिंदा बाहर इशू नहीं है इशू साढ़े एनवायरमेंट के साढ़े उस रूप के या साढ़े इस सारे नज़रिए जिस नज़रिए अडॉप्ट कर लिया। गुरु बाबा जी सैकड़े बारे पहला बात कर रहे जिहड़ा पुजारी ये कहिंदा भी एक्चुअली तुसी ना साढ़े धार्मिक बंदियां नूं जज ना करो इन्हां दा कसूर कोई नहीं इह ते कसूर कलजुग आ गया है। बाबा जी कहिंदे सोई चंद चढ़न सितारे सोई दिनी अरतपत रहें साह धरती सा पौन चुला रहे ना मिट्टी बदली ना मिट्टी का सुभाव बदलिया ना हवा बदली ना हवा का सुभाव बदलिया जुग जी खेल है थाम कैसे ये दसो वो जुग जिहड़ा बदल रहा आ वो कित्थे अपनी जिंद लैके बैठा है। जी जिहड़ी चीज़ जीवंत होए वह बदलती है तब्दीली आउंदी उहदे च बदलाव आउंदा। जे कोई युग जीवंत चीज़ आ कोई वाकई च कोई एग्जिस्ट करन वाली चीज़ आ वो कित्थे है जिहड़ी तब्दीली आउंदी है वो किस रूप दे विच आ। बदलाव तो किसी ज्यौंदी चीज़ च आएगा ना जिहड़ी चीज़ होंद रखदी है जिहदी होंद ही नहीं वह कित्थों बदलेगी। ये तो असीं आपू सोचिया आ आपू साडी सिरजी हुई चीज़ है। अगला बचन लिखिया रहाओ दा बंद विचार है सी कल जीवन तलब निवार होवै परवाणा करै तिंघाणा कल लखण विचार। कल दे लक्षण पता की ने होवै परवाणा करै तिंघाणा जिहदे हाथ दे विच परवाणा आउंदा तकड़ी आउंदी वह जुलम करदा। अज दे माहौल च शब्द बहुत कारगर है हुण समझ आउंदा सानू खास करके साउथ एशियन खिते नूं जदों ही सामने रख के शब्द नूं वेखदे आ। बाबा जी तुसी वाकई जी सच दी बाणी कही है। अगे थोड़ा बचन लैके तुरदा नाल कितै देस ना आया सुनिया तीर्थ पास ना बैठा। असी मोस्टली कहने जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है पोलिटिकल लीडरशिप दी हुंदी हर चीज़ वास्ते सॉरी फॉर दैट ये साडी जिहड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट आ एग्जैक्टली राइट नहीं है। सब तो जिहड़ी बेसिक ड्यूटी बनती है जे असीं लीडरशिप के रोल च देखिए वह सोशल ते रिलीजियस लीडर की होंदी है। आप देखोगे हालांकि जिहड़ा क्रिश्चियनिटी का मॉडल आ ये बड़ा प्रो स्टेट मॉडल रहा आ शुरू तो स्टेट नूं प्रमोट किया स्टेट नूं सपोर्ट किया तो उहदे च एलीट नूं सपोर्ट किया। पर अजे भी जिहड़ा हैड ऑफ द एक चर्च के उस रूप में आउंदा आ उन्होंने कैथोलिज्म दे विच ते उहदे विच पॉप जिहड़ा आ उहदी तुसीं देखो उहदी स्टेटमेंट उहदी होंद किड्डी मायने रखदी है। पर उस लैवल ते उह अपना चीज़ गवा चुके ने ते इस चीज़ नूं जदों असीं ब्रिटिश मोनार्की देखदे आ उह बहुत पहला अंडरस्टैंड कर गए सी। इस करके उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड का कॉन्सैप्ट लिया हूँ जो आ किंग की सैरेमनी हुई है तो उन्होंने जो ओथ च लिखा गया तो पहला सीगा वो लीडर ऑफ वन रिलीजन कहा जाता सीगा हूँ ऑफ लीडर ऑफ ऑल रिलीजनस लिखा उन्होंने चेंज किया उस सारे की पार्टीसपेशन पाई उत्थे साढ़े भी जेडे सरदार जी उन्होंने नाल लंबे समय तो एसोसिएट है खास करके उन्होंने मोनार्की दे विच उन्होंने ग्लव्स पवाते ने जाके तुम देखा होना सारा उस रूप दे विच लॉर्ड का उन्होंने खिताब मिले। सो ये चीज़ा दसदिया ने कि जिहड़ी असल पावर आ
ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੋ ਪਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਬਣਦਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾ ਮੇਕਰਸ। ਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਫਰੂਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਕਸ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨੈਵਰ ਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦਰਜਾ ਬਾ ਦਰਜਾ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ, ਲਾ ਮੇਕਰਸ, ਦੈਨ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਸਾਡੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰੋਡ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੋਖਦੇ ਪੜਤਾਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਸਿੱਧੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਤ ਬੇਰਾਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ, ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਸਮਝਾਓ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕੋ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਬਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
इसे नहीं लोगों विजन करवानी कोई चीज़। गुरु बाबा जी आ बात कर रहे ने, बाबा जी कहिंदे अध्यात्मी बंदे नूं एड्रेस किया जा रहा है। अगे जो बचन आएगा ना दूसरे राह आख गुणा कल आई है, वो अपने आप नूं बड़ा गुणी खवाना है, तू बड़ा कहना मैनूं बड़ी समझ है सोझी है, तू बड़ा दानिशमंद खवाना, दानिशमंद मतलब कह लो कि इंटलैक्चुअल, मैनू आ तो गल दस ना, आख आ गल समझा मैनू, स्पीक ऑन इट मतलब स्पीक आउट लाउड बोल देते। वो कल कित्थे है, कित्थे है कलयुग, विखा तो सही होते, आप भी दर्शन करिए देखिए किहड़ा कलयुग की गल्लां करना जिहड़ा कहने जिते इल्जाम ब्लेम लाना चाहिए सारा भी ये कलप्रिट है ये करके सारा कुछ हो रहा। आप देखिए समाज के लोके लिट मतलब आम लोग कहिंदे सुनते हैं जी इन्हां किसी ने तवीत पाते हैं अतागे पाते हैं, किसी ने काला इलम फूक दिता, किसी ने काला मंत्र फूक दिता, किसी ने आ कर, क्योंकि ईजी है कितों कोई मतलब जिम्मेवारी आप लवेंगे कोई दूजा लवेगा, बड़ा औखा है अकाउंटेबिलिटी तय करनी, आ तो बड़ा सौखा काम है भी ये चीज़ हो गई। या कुछ पक्के वहम भरम भरम बना ले जान भी हाँ अज ना हो अज होना ही सी ये काम, क्योंकि अज तो माहवार ही ठीक नहीं है, अज तक कम करना ही नहीं सी चाहिए, वो अज तो इस तरीके की कोई बिलीव इस किस्म के सुपरस्टिशियस बना ले, उन्होंने जरिए सारा कुछ किया। गुरु बाबा जी ने बयान किया कि तै देश ना आया सुनिया है, वो किसे देश आके वस्या नहीं सुने अज तक, मैं कलयुग का कोई देश नहीं गा भी कितने दूर रहिंदा है, कभी वह जहाज चढ़ के आ जाता कभी तुर जाता है, ऐसा कभी होया ही नहीं, वो कोई नगरी नहीं, किस कितै देश ना आया सुनिया तीर्थ पास ना बैठा। बाबा जी व्यंग कर रहे थे, बाबा जी कहें जिन्हों बड़े पूजनीक स्थान कहीं जिते कहते कलयुग वापर गया उ बैठे हो, मैं तो किसी तीर्थ को बैठा नहीं देखा। हाँ जिहड़ा एक गुरबाणी है जिहड़ी सानू बयान करती है, नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, असी आप नहीं ठीक, असी अपना समाज माड़ा करता अपनी गलतियां करके, समाजिक संस्थावां माड़ियां करतियां, असी धार्मिक संस्थावां भी माड़ियां करती, बंदे दियां खामियां जो धार्मिक स्थानां ते गईयां, अल्टीमेटली होया कि आप देखो गुस्ताखिली माफ़ी चाहांगा, इंस्टीट्यूशनस नूं तुसीं ध्यान नाल देखो, मुतालिया करो, बात हुंदी सिक्खी गुरबाणी कुछ दस रही है, इंस्टीट्यूशन नूं देखदे आं उहदे चों रिफलैक्ट नहीं करदा, फिर बंदा सैल्फ रिफलैक्शन भी नहीं करदा उहदे चों कि बाबा जी की बाणी आ कह रही है मैं आ कर रहा, कहे गुर अवर करें हम अवरा, वो कह रहे सजे नूं जाना, मैं कहना मैं जाने खब्बे नूं है, हुण होएगा कि भाई गुरदास जी का बचन ही पढ़ लेने, कहिंदे पूछत पतिक ते मार्ग न धारे पग प्रीतम के देश कैसे बात न से जाई है, राह पुछया किसी किसी ने राह दस्या भी आ इतों ना तुसीं जिहड़ा हैगा राइट लै लियो फिर अगे जाके जिहड़ा टर्न करके इस पासे चले जाओ, सारा डायरैक्शन सही दे दित्ती, या साडे कोल GPS लग्या बोल रहा, वो कह रहे भी टेक फस्ट राइट दैन सैकेंड लास्ट जी सैकेंड लैफ्ट, अपन कहने तो उल्ट जाना है, फिर कि पहुँचे नहीं, हालांकि GPS भी लाया आया भाई, ये जितना आ धार्मिक आवरण आ सारे का सारा ये समाज का सुधार कर दे, पर अनफॉर्चुनेटली गल ये है एक रंग होर ऐड कर देना फिर बचन तो वापस आ जाना, क्योंकि उन्हें कल बात करा कि जो बड़ी पोलिटिकल बात होनी है सारे की सारी उस सनैरियो जिहदे च समाज नूं डायरेक्शन दित्ती जांदी है। मौलाना रूमी बड़ा पढ़िया जांदा, मैं उहदे बारे एक चीज़ पढ़ी, उहदे कोल एक सज्जन आए कहिंदे ने कि गालबन वक्त पा के कुरान मजीद जिहड़ी धार्मिक किताब है इस्लामिक जगत दे विच उहदे कई वर्जन बन गए, मतलब वर्जन इस तरीके नाल कि तुसीं देखोगे जिहड़ी फारसी अरबी ते उर्दू उर्दू नाल साडी थोड़ी बहुती सांझ हैगी, उर्दू वाबस्तगी हैगी है, इन्हां दी जिहड़ी लिखावट का तरीका आ खब्बे तो सज्जे ऑलमोस्ट इक्को जिहा, अक्खर भी थोड़े थोड़े फर्क दे नाल अरबी दे थोड़े जिहे वक्खरे ने, फारसी ते उर्दू दी ऑलमोस्ट लिखण दी शैली इक्को जिही है, उहदे अंदर एक छोटे जी जिहड़ी है बिंदी लगण दे नाल बिल्कुल चीज़ सारी बदल जाती है, ईवन साडे घर बदल जाती है, ऐसा नहीं हैगा कितें उत्थे पर तुहाडे सामने एक दुबाणी दे बचन पढ़ देना वा, असी बचन पढ़ीए
नटुवै साग बनाया, गुरबाणी का शब्द है, नटुवै साग बनाया। हुण जे कोई आम पंजाबी बच्चा शब्द सुन रहा है तो कहेगा बाबा जी टॉकिंग अबाउट साग, यू नो, मैं थोड़ा जिहा बदल के पढ़दा हुण, नटुवै सांग बनाया, सस्से ते कन्ना ला के बिंदी ला दी। जिन्हों पंजाबी जबान की थोड़ी जी समझ, राइट वे कहेगा बाबा जी स्वांग की गल कर रहे हैं। आ जिहड़ा तमाशा आया, असी वर्ड पढ़ते हैं एग्जैक्टली लिखा हुए हैं, मम्मा सस्सा कक्का ते तत्ता। जे ते तुसी जिहड़ी मॉडर्न पंजाबी उहदे अकॉर्डिंगली उसनूं पढ़ोगे तो फिर तुसी की पढ़ोगे, मसक्कत। असी की पढ़ते हैं, मशक्कत। मसकत पढ़ोगे कोई समझ नहीं लगेगी ये की है, जदों पढ़ोगे मशक्कत राइट में समझ लग जाए गल गल का दी हो रही, लेबर दी, हार्ड वर्क दी, उहदी गल हो रही है। हुण आ जाइए उहदे विच। वैसे तो आलम ने बड़े लंबी चौड़ी बात लिखी, टूक मात्र ही बयान करदा। वो कहिंदा है कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। दुआ ते दगा जिन्हां नूं उर्दू का थोड़ा बहुत जानकारी है वह बिल्कुल इको जे लिखे जाते, उन च एक छोटे जे एक बिंदु का इस तरीके एक जड़ा है डॉट का फर्क पै जाता। वो कहिंदा हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुकते ने महरम से मुजरिम बना दिया। नुकता एक छोटी जी बिंदी वध घट लगन दे नाल लिखिया महरम सीगा, पढ़िया मुजरिम गया आया। एग्जैक्टली इन बिन होंदा। मैं एक बड़ा स्कॉलर लैवल तक डॉक्यूमेंट देख रहा सीगा जर्मन यूनिवर्सिटी दे विच, उन्होंने चर्चा तो की उहदे सारी भविष्यत दी जिहनूं असीं पैराडाइज या हैवन कहिंदे आ, भी मरण तो बाद, क्योंकि आफ्टर लाइफ का कॉन्सैप्ट है बड़ा वड्डा उहदे विच, वो सारी जिहड़ी उहनां दी कुरआन मजीद आ। तो वह इस तरीके नाल पूरा दा पूरा जिवें पेज आए, वह पेज दे विच इक वर्जन पढ़ता, पूरा पढ़ के वो अर्थ करता है, उन्हों का जिहड़ा मुफ्ती वो अर्थ करा जिन्हों की नॉलेज आ बहुत ज़्यादा। वो फिर की करता सेम पेज के उत्ते एक एक्सट्रा लेयर आ इस तरीके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ ट्रांसपेरेंट आ, उसने एवें चक के एवें कर दिता। हूँ कहता हूँ पढ़, सेम पेज दोबारा फिर पढ़िया जाता, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है, ट्रांसलेशन उनकी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहा है ना पेज इस तरीके, उत्ते तीन डॉट ने जोड़े बदले ने उन्होंने, बस ओनली थ्री डॉट्स बदलने पूरी की पूरी ट्रांसलेशन बदल गई है। ये चीज़ा होंदिया, असी धार्मिक ग्रंथा की जी व्याख्या आदि जरिए अंडरस्टैंड कर कोशिश करते, ये की सानू विजडम दिती गई है। हुण जिहड़ा व्याख्याकार है उन्होंने अपने ढंग नाल व्याख्या देंदा, ये भी बड़ी समस्या है। एक लैटर आ सर साइमन नूं लिखिया, लिखिया प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने 1931 दे विच, ब्रह्मज्ञानी लोग सीगे, लोग अपनी विरासत जरूर पढ़नी चाहिए सानूं। जदों पावर ट्रांसफर हुई नान 1947 दे विच, 1935 दे पैक्ट दे अंडर हुई सी, सर साइमन जिहड़ा पैक्ट लैके आया सीगा, एक्चुअली उही मुड़ के चेंज होया सीगा कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। उस वक्त चर्चा चल रही सी, जिहड़े स्कॉलर लोग सी साडे वो समझ रहे सी वो की रहा सारा, हाँ कईआं नूं सुनिया नहीं पढ़िया नहीं किया की जाए। उन्होंने उस वक्त सर साइमन नूं लैटर लिखा सीगा 1931 दे विच, वो लैटर पढ़ लो ते अज दे इस साउथ एशियन खिते की हालत देख लो सारे दी, की पाकिस्तान ते की इंडिया ते की श्रीलंका सारा, तुसी तुहानूं आइडिया हो जाएगा उस बंदे ने की उस वक्त विजन किया सी। उन्हें सर साइमन नूं दिखाया भी तुहानूं गुनाह करन लगे हो, इन्ना गुनाहां नूं माफ़ कित्थे कराओगे तुसी जाके, जो तुसी सोच रहे हो सारा कुछ करना, उदों लग रहा सीगा भी लाइन कढ़नगे सारा कुछ करनगे सर इस तरीके दे नाल। उसने एक एग्जाम्पल की छोटी जी, एग्जाम्पल वो है कि अकबर जिहड़ा अपने जमाने का बड़ा वड्डा अकबर द ग्रेट अखवाउंदा सीगा, ते उहदा जिहड़ा संगीतकार सीगा तानसेन, उन्हां दोनों दे विच एक डायलॉग हो रहा है, डायलॉग हो रहा है,
ਤੇ ਉਹ ਤਾਨਸੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਸੇਨ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਏ ਬਰਥ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਨਸੇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਜਾਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਜਨ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਇੱਕ ਆਇਤ ਆ ਉਹਦੇ ਆਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਮੰਨੀਏ ਕਿਹਦੀ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜਿਉਣਾ ਆ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਕੱਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਨ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਅਵੇਅਰ ਆਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਸਰਬਕਾਲੀ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਬ ਸਮਾਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਦਾ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿੰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ